गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशंस करवाई थी, ठीक है बेटा। आपको सेक्शन फार्मूले की एप्लीकेशन करवाई थी, सेक्शन फार्मूले की एक एप्लीकेशन थी। जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो एक्चुअल में देखा जाए तो सेक्शन फार्मूले की ही एक एप्लीकेशन है। अब हम एक उससे नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। जो आपकी देखा जाए तो बेटा मैंने अभी भी बताया आपको, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो एप्लीकेशन ही है किसकी, सेक्शन फॉर्मूला की। इसलिए मैंने उसको फर्स्ट काउंट किया है, ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन है। टू चेक दी कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट की कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए भी हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेट एक्स वन वाई वन, इस एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन उसके कोऑर्डिनेट है, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री आर दी थ्री पॉइंट्स, ठीक है बेटा। यह आपको तीन पॉइंट गिवन है, इन तीनों पॉइंट को चेक करके बताना है क्या ये तीन पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। मैंने आपको जर्नल फॉर्म में दिखा रखे हैं पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, टू थ्री फाइव जीरो सेवन एट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये जर्नली एग्जाम्पल सोल्यूशन बता रहा हूँ कि भी किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कि भी वो तीन पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे, मैंने लेट किया है, लेट सी पॉइंट डिवाइड दी ए बी इन के रेशो वन। मैंने मान लिया ये जो सी पॉइंट है वो इस ए बी को के रेशो वन में डिवाइड किया। कहने का मतलब एक्चुअल में मैंने क्या मान लिया है कि भी जो ए बी जो लाइन है उसको ये जो सी पॉइंट है उसी के पर लाई करने लग रहा है और वो उसको के रेशो वन में डिवाइड करने लग रहा है, मैंने माना है ये बेटा। तो ए बी आपकी ये जो लाइन आ गई, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, इसको सी पॉइंट के रेशो वन में डिवाइड किया है, ये मैंने क्या है माना बेटा। सी के कोऑर्डिनेट आपके एक्स थ्री वाई थ्री, ये आपके सी के कोऑर्डिनेट है। अगर आपको सी के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन होते और आपको रेशो गिवन है तो आप सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, बाय सेक्शन फॉर्मूला ऐसे निकालते बेटा, के एक्स टू इस वन की इससे मल्टीप्लीकेशन प्लस में वन को एक्स वन से मल्टीप्लाई किया एक्स वन बाय में के प्लस वन, ये क्या आ गया आपका सी का एब्सिसा आ गया, जबकि सी का एब्सिसा तो आपको गिवन है एक्स थ्री, तो हमें इसको किसके इक्वल रख देंगे एक्स थ्री के इक्वल रख देंगे। यहां से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन हम के की वैल्यू ऑर्डिनेट से भी निकाल सकते थे, ये तो मैंने किससे निकाली है एब्सिसा की हेल्प से निकाली है, क्योंकि एब्सिसा की हेल्प से मैंने यहां वैल्यू निकाली है। लेकिन आप ऑर्डिनेट की हेल्प से भी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं ना बेटा, y कोऑर्डिनेट से निकालेंगे, इस k की y2 से मल्टीप्लीकेशन k y2 प्लस साइन 1 की y1 से मल्टीप्लीकेशन y1 बाय में इन दोनों का सम k प्लस 1, ये किसके इक्वल आएगा ऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। यहां से भी सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपकी जो दो k की वैल्यू आई है ये अगर दोनों की दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती हैं तो उस केस में क्या कहेंगे हम, ये दोनों पॉइंट, ये जो तीन पॉइंट है वो क्या बेटा कोलिनियर है। इफ द वैल्यू ऑफ K in both case are same, then these three points are collinear. ये तीनों point क्या बेटा collinear है। अगर आपकी K की value same नहीं आती है, इसका मतलब otherwise points are नॉन कॉलिनियर, अगर बराबर नहीं आती तो फिर वो क्या है नॉन कॉलिनियर है। ये आपके बेटा सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है, अगर आपको एक ट्रायंगल है गिवन और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन,
बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स टू वाई टू और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है बेटा, ये इसकी मैं मीडियंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपकी मीडियंस आ गई हैं। ये मीडियंस क्या है, जिस पॉइंट से आप पास होने लग रही हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड। ये आपका पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है बेटा, ये कहा गया है कि इसकी हेल्प से, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आप इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो। मैंने मान लिया ये पॉइंट ओ है, इसके क्या निकालने हैं मुझे, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आपका एक रिजल्ट है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि भी जो एक ट्रायंगल एबीसी की जो मीडियंस है उसका सेंट्रोइड उसको 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है इस मीडियन एडी को भी। ये अगर मैं इसको ई का नाम देता हूँ तो मीडियन सी को भी क्या है, 2:1 में डिवाइड करेगा। मीडियन बी एफ को भी क्या है, 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो अब फिलहाल हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन तीनों मीडियन में से किसी एक मीडियन का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इस AD का यूज करने लग रहे हैं और उस D के क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आपको पता है जब AD मीडियन है तो D क्या है, मिड पॉइंट होता है बेसिक का, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है बेटा, मिड पॉइंट है BC का। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर, डी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, इन दोनों का सम, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ना बेटा, इन दोनों का सम बाय टू कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं डी पॉइंट के। मैं यहां लिख देता हूं बेटा इन कोऑर्डिनेट्स को, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। ये आपके क्या आ गए हैं, डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। लेकिन आपको फाइंड किसके कोऑर्डिनेट करने हैं, ओ के निकालने हैं। अब बेटा आप देखो ए डी है, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ ए डी को। ये आपकी ए डी है, ए डी, ए के कोऑर्डिनेट आपके एक्स वन वाई वन, ए डी है बेटा सॉरी, डी के कोऑर्डिनेट आपके एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, और इसके ऊपर कहीं लाई करने लग रहा है ओ पॉइंट। ठीक है, जो आपका सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करने लग रहा है। तो आपको ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो बेटा, टू की इससे मल्टीप्लीकेशन, टू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू में एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू, वन की बेटा इससे मल्टीप्लीकेशन, वन को एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन, बाय में इन दोनों का सम आता है टू प्लस वन। ये आपका क्या आ गया, एब्सिस आ गया। अब ऑर्डिनेट निकालना है, टू की इससे मल्टीप्लीकेशन, टू इंटू में वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, वन की इससे मल्टीप्लीकेशन प्लस में वाई वन, बाय में इन दोनों का सम टू प्लस वन। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, डी ओ के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ये आपके ओ के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा। टू से आपका टू कैंसिल, ये टू से भी टू कैंसिल, ये ऊपर जो बच गया वो क्या बच गया है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री कॉमा, यहां बच गया वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, मीन्स आपने क्या कर लिया है, फॉर्मूला बना लिया है जिसके हेल्प से क्या कर सकते हो आप, सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अगर तीन वर्टिसेज गिवन है। देखो आपके वर्टिसेज थे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो आपको अगर ये सेंट्रोइड निकालना है तो आपको क्या करना है बेटा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री,
एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, ये आपके क्या आ गए हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ओके बेटा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे नेक्स्ट टर्म आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाला था, ठीक है, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाला था, लेकिन अब जो एरिया निकालना है ट्रायंगल का वो किसके हेल्प से निकालना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसका मतलब एक ट्रायंगल के आपको तीन वर्टिसेस गिवन है, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल मान लिया ए बी सी है बेटा, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, ये जो आपका बी वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, और ये आपका जो सी वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री वाई थ्री। आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन बाय टू। देखो बेटा, आपके में फॉर्मूला बना हुआ दे रखा है, ये एज इट इज वैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन ये थोड़ा इजी मेथड है, ठीक है। इस मेथड में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन तीनों में से किसी एक वर्टेक्स को लिखो, उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए बेटा, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए, मैंने क्या किया एक ही लिख दिए पहले, उसके बाद किस इन दो दो बच गए उनमें से किसी एक के लिख दो, मैंने बी के लिख दिए एक्स टू वाई टू, फिर सी के लिखे हैं एक्स थ्री वाई थ्री, जो आपने सबसे ऊपर लिखे थे उसको एक बार दोबारा रिपीट कर दो, एक्स वन वाई वन, वन बाय टू, मैंने ये मोड का सिंबल यूज किया है, मोड इसलिए किया है यूज बेटा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया अगर हमारी ये जो रिजल्ट है सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए किसका यूज किया गया, मोड का यूज किया गया, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा देखो, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन एक्स वन वाई वाई टू प्लस साइन, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन एक्स टू वाई थ्री प्लस साइन, इसकी से मल्टीप्लीकेशन एक्स थ्री वाई वन। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप क्या करोगे, प्लस का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपसे ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे करके याद रख लेना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज का मतलब प्लस होती है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया है। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस होती है, तो हमने क्या किया है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब माइनस एक्स टू वाई वन माइनस एक्स थ्री वाई टू माइनस एक्स वन वाई थ्री, यह आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको यह फॉर्मूला याद नहीं रहता हो तो आप इसका इसी तरीके से यूज करो, जैसे मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर वन जीरो टू थ्री एंड फाइव सिक्स। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है बेटा वन जीरो टू थ्री एंड फाइव सिक्स, उसका एरिया निकालना है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन बाय टू, आपका फर्स्ट वर्टेक्स लिख दिया मैंने वन जीरो, फिर सेकेंड वर्टेक्स टू थ्री, फिर थर्ड वर्टेक्स लिख दिए हैं फाइव सिक्स, ठीक है। आपके तीन ट्रायंगल थे ना, उनके तीनों के जो तीन वर्टेक्स थे उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, इन तीनों पॉइंटों को मैंने यहाँ लिखा वन जीरो टू थ्री फाइव सिक्स, जो आप सबसे ऊपर लिखा था एक बार उसको दोबारा रिपीट करना है, वन जीरो वन बाय टू, वन की थ्री से मल्टीप्लीकेशन थ्री प्लस साइन, मैंने आपको बताया था जब ऊपर से नीचे आओगे तो प्लस का साइन, टू सिक्स जा ट्वेल्व प्लस साइन, फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो, माइनस करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे जब जीरो, फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, और वन को सिक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स, वन बाय टू, ये 15 होगा बेटा, ये भी 15, 15 से 15 कैंसिल,
माइनस सिक्स का मोड, मोड क्या काम करता है, जो भीतर नेगेटिव टर्म आती है उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो वन बाई टू मल्टीप्लाई सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, यानी आपका थ्री स्केयर यूनिट एरिया आ गया बेटा। एरिया हमेशा स्केयर में होता है ना, स्केयर यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर स्केयर, मीटर स्केयर, इसलिए स्केयर यूनिट। ठीक है बेटा, यह आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इसी मेथड, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने ये जो मेथड यूज किया है, इसकी भी एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड, जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था उस मेथड की एप्लीकेशन देखो। इसकी एक एप्लीकेशन है टू चेक दी कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। हम तीन पॉइंट की अगर कोलिनियरिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था फाइंड आउट करने के लिए, तो उसकी हेल्प से क्या है, हम कोलिनियरिटी को भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन पॉइंट हैं ए एक्स वन वाई वन, मैंने मान लिया ये तीन पॉइंट हैं, लेट ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, और आपका ये सी पॉइंट है एक्स थ्री वाई थ्री। ये आपके बेटा तीन पॉइंट हैं। इन तीन पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय दीज थ्री पॉइंट्स, दीज थ्री पॉइंट्स इज जीरो, अगर आपका ट्रायंगल का एरिया इन तीन पॉइंट से अगर जीरो आ जाता है, उस केस में आप क्या कहोगे, देन एरिया ऑफ देन दीज थ्री पॉइंट्स, देन दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीन पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। कहने का मतलब बेटा, दैट मीन्स आपका जो एरिया आपने इस तीन पॉइंट से ऐसे निकालोगे, वन बाय टू एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, जो आपने ऊपर लिखा था उसको एक बार दोबारा एक्स वन वाई वन, ये अगर आपका रिजल्ट जीरो आ जाता है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीन पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यही तो मेथड बताया था मैंने एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ये अगर आपका जीरो आ जाता है तो वो आपके क्या एरिया क्या जाएगा, वो तीन पॉइंट क्या प्रूव हो जाएंगे, कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों है, ये देखो बेटा, ये आपके ए और बी दो पॉइंट हैं, आपका सी पॉइंट मान लो यहां है, आप इससे ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, इसका मतलब आपके इन तीन पॉइंट से ट्रायंगल ड्रॉ हुई है, और साफ दिखने लग रहा है ये सी पॉइंट क्या है, ए बी के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तीन पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ आपके को रिजल्ट आएगा, वो एरिया चाहे वो कितना भी आए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आए, चाहे कितना भी आए, कुछ ना कुछ एरिया आएगा। जैसे जैसे मैं इस ए को ऊपर, सी को ऊपर लेके जाता हूँ, मान लिया सी यहाँ पर था, तब ट्रायंगल आपकी क्या है, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई है, तो उसके केस में एरिया निकालोगे तो और ज़्यादा आएगा, अगर यहाँ पे है तो और ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे आप सी को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपकी ट्रायंगल क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और आपका एरिया क्या आएगा, और ज़्यादा आता जाएगा। लेकिन अगर आपने इस सी पॉइंट को नीचे लाना शुरू कर दिया, मान लो यहाँ पर आ गया, तो आपका एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो गया, छोटी हो गया। अगर मान लो यहां आ जाता आपका सी पॉइंट, तो आपका और एरिया कम हो जाता, अगर यहां पे आ जाता तो और एरिया कम हो जाता, यहां आ जाता तो वो ट्रायंगल बहुत छोटी बनी है और कम हो जाता, लेकिन अगर इस लाइन पे आ जाता सी पॉइंट आपका, तो उस केस में आपकी ट्रायंगल नहीं बनी। जब ट्रायंगल नहीं बनेगी, इसका मतलब उसका एरिया नहीं आएगा, और ट्रायंगल नहीं बनी, एरिया नहीं आए, कब नहीं आया, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। तो मैंने इसी रिजल्ट का यूज किया है कि मेरी ट्रायंगल का एरिया जीरो आया, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनी, और ट्रायंगल नहीं बनी इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे लाई करने लग रहे हैं।
तो ये आपका क्या है मेथड है जो क्या है अगर तीन पॉइंट हो कोलिनियर प्रूव करना हो लेकिन किसके हेल्प से प्रूव करना हो एरिया ऑफ मेथड की हेल्प से आपने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का जो मेथड यूज किया था उसकी हेल्प से भी कर सकते हो तो आपने कोलिनियरिटी चेक की है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स तीन मेथड से चेक किया इसके अंदर एक तो आपने चेक की थी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आज के लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से भी आपको क्या है इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से भी क्या है कोलिनियरिटी चेक करनी बताई थी बाय सेक्शन फॉर्मूला ये आपको लास्ट क्लास में करवाया था डिस्टेंस फॉर्मूले वाला केस थर्ड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड फॉर्मूला इसकी भी हेल्प से क्या है अभी मैंने आपको सिखाया आप तीन पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं कोलिनियरिटी चेक करने का मतलब वे तीन पॉइंट क्या एक ही लाइन पर लाई करने लग रहे हैं क्या कोलिनियर है वो आप इन तीन मेथड की हेल्प से बता सकते हो इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले के केस में क्या था आप उन तीनों पॉइंट से आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे ठीक है और उन जो डिस्टेंस आपने निकाली है उनमें से आपकी सबसे बड़ी डिस्टेंस आई है वो अगर बाकी दो किस्म के इक्वल आ जाते हैं मान लिया वो तीन पॉइंट थे ए बी सी उनमें से आपने क्या किया उन तीनों के आपस में डिस्टेंस निकाली ए बी निकाली बी सी निकाली और ए सी निकाली उनमें जो सबसे बड़ी डिस्टेंस आई है आपकी वो बाकी दो किस्म के इक्वल आ जाती है तो क्या है आप क्या कहोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने चेक करके दिखाया कि वो तीन पॉइंट क्या है कोलिनियर है अगर वो इक्वल नहीं आती है तो क्या है नॉन कोलिनियर सेक्शन फॉर्मूले केस में क्या था मैंने अभी भी सिखाया था आपको कि आप के की वैल्यू निकालोगे एब्सिसा की हेल्प से भी निकालोगे और किसकी हेल्प से निकालोगे ऑर्डिनेट की हेल्प से निकालोगे मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकालोगे के की वैल्यू निकालोगे अगर वो दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ जाती है तो आप क्या कहोगे सेक्शन को फॉर्मूले की हेल्प से आपने क्या प्रूव किया है कि वो तीन पॉइंट क्या है कोलिनियर है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल उन तीन पॉइंटों से क्या आ जाता है जीरो आ जाता है तो आप क्या कहोगे कि वो तीन पॉइंट क्या है कोलिनियर है ठीक है बेटा तो हमने आज बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था इन आज की जो जितने भी टर्म मैंने पढ़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा तो आपका ये कोलिनियरिटी चेक हुआ है तीन पॉइंटों की कोलिनियरिटी चेक हुई है ठीक है बेटा और एक मैंने आपको ये बताया था अगर आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना हो तो उसका भी फॉर्मूला बताया था ओके बेटा अब लास्ट क्लास में जितने भी अपने ये हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं इनकी हेल्प से क्या करेंगे हम आपके सम करेंगे ठीक है जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे ओके बेटा